I gave you my heart. हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम जानेंगे सामाजिकरण का अर्थ। सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतर क्रिया करता हुआ सामाजिक आदतों, विश्वासों, रीति रिवाजों तथा परंपराओं एवं अभिवृत्तियों को सीखता है। यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य अपने आसपास के व्यक्तियों के साथ क्रिया करते हुए, अंतर क्रिया करते हुए जो सामाजिक में आदतें होती हैं, सामाजिक जीवन में जो आदतें होती हैं उनका और विश्वासों का यानी बिलीफ जो होते हैं समाज में, रीति रिवाजों तथा परंपराओं का वह परंपराओं आदि को वह सीखता है। इस क्रिया के द्वारा व्यक्ति जन कल्याण की भावना से प्रेरित होते हुए अपने आपको अपने परिवार, पड़ोस एवं अन्य सामाजिक वर्गों के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, जिससे वह एक श्रेष्ठ, उपयोगी तथा उत्तरदायी सदस्य बन जाए तथा उक्त सभी सामाजिक संस्थाएं तथा वर्ग उसकी प्रशंसा करते रहें। यानी वह इस सामाजिकीकरण के द्वारा वह जो समाज में जो आदतें, विश्वास, रीति रिवाज और परंपराएं को जो सीखता है उसके द्वारा वह यह कोशिश करता है जिससे कि वह एक इन सभी को सीखकर वह एक समाज का श्रेष्ठ मनुष्य बन सके और समाज में रहकर जो भी संस्थाएं हैं, जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी और अपने आसपास जितने भी वर्ग हैं उनकी प्रशंसा वह पाता रहे, यानी यह सब उसकी प्रशंसा करते रहें। अब हम बात करेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के कुछ दिन बाद ही आरंभ हो जाती है। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया परिवार से प्रारंभ होती है। परिवार के सदस्य के रूप में बालक के अन्य सदस्यों से अंतर क्रियात्मक संबंध स्थापित करता है और उनके व्यवहारों का अनुकरण करता है। यानी आपके जो बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है जन्म के कुछ समय बाद ही प्रारंभ हो जाती है। और जब यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो सबसे पहले जो एक बच्चा होता है वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक संबंध स्थापित करता है और उनके जो उनके द्वारा जो बच्चे के साथ व्यवहार किया जाता है उसको वह सीखता है। इस प्रकार अनुकरण करते हुए जाने अनजाने बालक परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका भी अदा करने लगता है। वह जाने अनजाने में सही लेकिन वह अन्य व्यक्तियों की तरह अपनी भूमिका का निर्वहन करने लगता है। अनुकरण के आधार पर ही वह माता पिता, भाई बहन आदि की भूमिकाओं को सीखता है। उसके ये व्यवहार धीरे धीरे स्थिर हो जाते हैं। धीरे धीरे बालक अपने माता पिता और अपने माता पिता के अपने माता और अपने तथा माता के मध्य अंतर को समझने लगता है कि वह स्वयं क्या है। इस प्रकार स्वयं का सेल्फ का विकास होता है जो सामाजिकरण का एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। तो एक बच्चा होता है सबसे पहले वह अनुकरण के आधार पर यानी जब वह सीख रहा होता है तो सबसे पहले वह अपने माता पिता, भाई बहन आदि की जो भूमिकाएं होती हैं यानी उन रिश्तों के बारे में सबसे पहले वह सीखता है। और जब ये सारी चीजें उसमें स्थायित्व ले लेते हैं यानी उसके व्यवहार जो होता है वह स्थिर हो जाता है तो वह उसके बाद अपने माता पिता के बीच में अंतर स्पष्ट करने लग जाता है और फिर वह स्वयं में भी सोचने विचार करने लग जाता है कि वह स्वयं क्या है। और जो सेल्फ होता है यानी स्वयं का जो विकास होता है इस प्रकार यह एक हमारा बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। आगे बढ़ते हैं बालक के सामाजिकरण करने के वाले कारक। अब ऐसे कारकों का अध्ययन करेंगे जो बालक के सामाजिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालक जन्म के समय कोरा पशु होता है। जैसे जैसे वह समाज के अन्य व्यक्तियों तथा सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आकर विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता रहता है वैसे वैसे वह अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हुए सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों को सीखता रहता है। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। बालक के सामाजिकरण में सहायक मुख्य कारक अथवा तत्व निम्नलिखित हैं।
जब आपका बच्चा पैदा होता है यानी जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस समय जो बच्चा होता है वह एक कोरा पशु होता है या एक सभ्य जीव एक कोरा जीव होता है। लेकिन वह जैसे जैसे आपका समाज में व्यक्तियों के साथ संपर्क करता है तो उसकी जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाएं समाज में रहकर करता है और उनसे कुछ न कुछ वह क्या करता है, कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है। और जब वह सीखने का प्रयास कर रहा होता है तो उसकी कुछ प्रवृत्तियां ऐसी भी होती हैं जिनको समाज रोकने का प्रयास करता है, और कुछ सामाजिक आदर्श होते हैं उनको बच्चा जब उसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जाती है तो वो जो समाज के आदर्श होते हैं उनको या मूल्य जो होते हैं उनको सीखने का प्रयास करता है। आपके कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जैसे कि परिवार है, दूसरा आयु समूह है, पड़ोस, नातेदार, नातेदारी समूह, स्कूल, खेल कूद, जाति, समाज, भाषा समूह, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, यह सभी तत्व आपकी सामाजिकरण प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए, परिवार, आयु समूह, पड़ोस, नातेदारी समूह, स्कूल, खेलकूद, जाति, समाज, भाषा समूह, राजनीतिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं, इन पर बच्चों का एक अच्छा खासा, जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं बालक के सामाजिकरण में बाधक तत्व। अब बालक का जब सामाजिकरण चल रहा होता है उस समय बालक के सामाजिकरण में जो बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व होते हैं या कारक होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर एक मैस्लो एवं मैडलमैन के अनुसार कुछ कहा है उन्होंने, उनके विचारों का एक बार अध्ययन कर लेते हैं। सांस्कृतिक परिस्थितियां जैसे जाति, धर्म, वर्ग आदि संबद्ध पूर्व धारणाएं आदि, यानी आपकी जो प्रमुख बाधा उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं उसमें आपकी सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत जाति, धर्म, वर्ग आदि जैसे समूह आपके सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाल्यकालीन परिस्थितियां जैसे माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता में सदैव कलह, विधवा माँ, पक्षपात, एकाकीपन तथा अनुचित दंड आदि। अब बच्चा जब बाल्य अवस्था में होता है उस समय जो उसके सामने परिस्थितियां होती हैं वह भी सामाजिकरण में एक बाधा उत्पन्न करती हैं, जैसे माता पिता का प्यार न मिलना। अगर किसी बच्चे को उसके माता पिता का प्यार न मिले तो सामाजिकरण की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। वहीं दूसरा बिंदु है माता पिता में सदैव कलह, यानी आपस में जब माता पिता के बीच में नहीं बनता है तो जब बच्चा वह घर पर रहकर क्या सीखता है उनके बीच में, यानी उसकी सामाजिकरण प्रक्रिया में वह एक बाधक तत्व के रूप में कार्य करते हैं, यानी उनके बीच में जो कलह होती है वह भी एक सामाजिकरण प्रक्रिया में बाधक तत्व होता है। विधवा माँ, अगर किसी बच्चे की माँ विधवा है अर्थात उस बच्चे के पिता नहीं है तो वह विभिन्न प्रकार की विचारों में खोया रहता है तथा वह कोशिश करता है जानने की, यानी उसे भी कुछ न कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए मेरे पिताजी कहाँ हैं तो वो क्यों नहीं हैं, क्या हुआ था उनके साथ, तो यानी कुछ ऐसी चीज़ें उसे सोचने पर मजबूर करती हैं जिससे उसका सामाजिकरण प्रभावित होता है। पक्षपात, मान लीजिए अगर किसी बच्चे के साथ प्रारंभिक जीवन में ही पक्षपात हो जाए तो वह भी उसके लिए ठीक नहीं। एकाकीपन, यानी उसको अकेला रहना पसंद है। अनुचित दंड मिल जाए उसको, यानी उसने कोई कार्य किया हो न लेकिन उस पर किसी के द्वारा उसे पनिशमेंट मिल जाए तो यह भी उस बच्चे को सामाजिकरण के बाधक तत्वों के रूप में प्रभावित करेगी। नेक्स्ट है आपका तात्कालिक परिस्थितियां, यह ध्यान रखें आपकी यह जो बिंदु बताए गए हैं यह मैस्लो तथा मेरिटमैन द्वारा बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका तात्कालिक परिस्थितियां जैसे निराशा, अपमान, अभ्यास, अनियमितता, कठोरता, प्रयास और भाई बहन, मित्र, पड़ोसी आदि की ईर्ष्या। अब किसी बात को लेकर निराशा हो जाती है, किसी बात को लेकर अपमान हो जाता है, अभ्यास की अनियमितता हो जाती है, कठोरता किसी कारणवश कठोरता यानी किसी के द्वारा मजाक उड़ा दिया जाता है भाई बहन मित्र पड़ोसियों द्वारा, तो इससे उसके मन में क्या हो जाती है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। ईर्ष्या उत्पन्न होने से भी बालक के सामाजिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है अन्य परिस्थितियां जैसे शारीरिक हीनता, निर्धनता, असफलता,
शिक्षा की कमी, आत्मविश्वास का अभाव तथा आत्मनिर्भरता की कमी। यह भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। किसी बच्चे में शारीरिक हीनता, यानी किसी बच्चे का कोई शारीरिक विकलांग है, निर्धनता है, गरीबी में पला बड़ा हुआ है, असफलता, इट मीन्स उसको कभी अभी तक सफलता उसने देखी नहीं है। शिक्षा की कमी, यानी वह शिक्षित नहीं है। आत्मविश्वास का अभाव, उसके अंतर्गत वह आत्मविश्वास नहीं है जिसके द्वारा वह सोच सके कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ या मैं भी कुछ बन सकता हूँ। आत्मनिर्भरता की कमी। तो यह सब थे आपके सामाजिकरण की प्रक्रिया में बाधा डालने वाले कारक। आगे हम बात करेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार के बाद स्कूल और स्कूल में विशेष रूप से शिक्षक आता है। प्रत्येक समाज के कुछ विश्वास, दृष्टिकोण, मान्यताएं, कुशलताएं और परंपराएं होती हैं। यानी बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले आपका परिवार, और परिवार के बाद स्कूल, और स्कूल के बाद अगर कोई व्यक्ति आता है तो स्कूल में विशेष रूप से आपका शिक्षक। यानी आप प्रक्रिया को भी ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले बच्चे का परिवार, परिवार के बाद विद्यालय, और विद्यालय में विशेष रूप से आपका शिक्षक समाजीकरण का एक मुख्य वाहक होता है। अब जो विश्वास और मान्यताएं होती हैं, जिसे हम संस्कृति के नाम से जानते हैं, यह संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती हैं और समाज के लोगों के आचरण को प्रभावित करती हैं। शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ कार्य है कि इस संस्कृति को बालक को प्रदान करना। यानी अभी वो जो संस्कृति है, जो मान्यताएं हैं, कुशलताएं हैं, जो परंपराएं अभी हमारे समाज में प्रचलित हैं, जब हम उनको दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करेंगे तो यह एक शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ कार्य है कि वह अपने बच्चों के अंदर इस प्रकार के गुणों को समाहित कर दे। यदि वह कार्य नहीं करता तो बालक का समाजीकरण नहीं कर सकता। यानी आपके यह जो कार्य बताए गए, अगर शिक्षक इन कार्यों को नहीं कर सकता है तो वह बच्चे का समाजीकरण करने में असफल रहेगा। शिक्षक माता पिता के साथ बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करने में अति महत्वपूर्ण कार्य करता है। यानी आपके परिवार में आपके माता पिता एवं माता पिता के बाद जो चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह होता है आपका शिक्षक। नेक्स्ट है आपका कक्षा में खेल के मैदान में, साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाओं में शिक्षक सामाजिक व्यवहार के आदर्श प्रस्तुत करता है। बालक अपनी अनुकरण की मूल प्रवृत्ति के कारण शिक्षक के ढंगों, कार्यों, आदतों और नीतियों का अनुकरण करता है। अतः शिक्षक को सदैव सतर्क रहना चाहिए, उसे कोई ऐसा अनुचित कार्य या व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे कि जो एक बच्चा होता है, बच्चा कक्षा में, खेल के मैदान में, साहित्यिक, सांस्कृतिक, ये जो क्रियाएं होती हैं, इनमें अपना जो सामाजिक आदर्श होता है उसको, अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। अगर मान लीजिए आपका शिक्षक, जो बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक है, अगर वही खुद स्वयं में व्यवहार ठीक नहीं करता है तो उसका बच्चा अनुसरण करेगा। और यह देखा जाता है कि छोटी छोटी चीजों को बच्चे घर पर आकर बताते हैं कि आज हमारे टीचर यह कर रहे थे, आज हमारी मैम ने हमारे साथ ये किया, या मैम ऐसे कर रही थी, मैम वैसे कर रही थी। तो इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए एक शिक्षक के रूप में कि जो भी बच्चा आपके द्वारा सीखता है उसका अनुकरण भी करता है। यानी हमारी जो भी कार्य, हमारी आदतें, जो भी नीतियां हो, वो हमारी ठीक होनी चाहिए। और हमें इस बात के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि कहीं हमसे कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा व्यवहार ना हो जाए जिसके चलते बच्चा उसका अनुकरण करने लगे। फ्रेंड्स, यह था सामाजिकरण की प्रक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई गूगल ड्राइव के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।